दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी की डेलीगेट की बैठक में राहुल गांधी के अध्यक्ष पद ग्रहण करने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव हुआ पारित। यहां आपको पता चले कि आज दिल्ली प्रदेश कार्यालय में एक पीसीसी डेलीगेट की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राहुल गांधी के अध्यक्ष पद ग्रहण करने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित नवनिर्वाचित पीसीसी डेलीगेट की बैठक में विपक्ष की एकमात्र सशक्त आवाज आदरणीय राहुल गांधी जी के अध्यक्ष पद ग्रहण करने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसी बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा देश और पार्टी के लिए दिए गए अमूल्य योगदान के लिए सर्वसम्मति से धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया गया। तो राहुल जी के लिए एक प्रस्ताव मैं दोहराना चाह रहा हूँ, उसमें मैं आपका समर्थन चाहूंगा। मैं चौधरी अनिल कुमार, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, आप सभी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नव निर्वाचित डेलीगेट के समक्ष यह प्रस्ताव रखता हूं कि विपक्ष के सबसे लोकप्रिय और ऊर्जावान नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी, जो पूरे देश में सांप्रदायिकता और कट्टरवादी ताकतों के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं और भारत के जनमानस में सद्भाव, सद्भावना व भाईचारे को बढ़ाने के लिए लगभग 3,570 किलोमीटर की ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा पर है, हम अनुरोध करते हैं कि देश हित और कांग्रेस पार्टी के हित में श्री राहुल गांधी जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद को ग्रहण करें। आप सभी इस प्रस्ताव से सहमत है तो अपना हाथ उठाकर इस प्रस्ताव का समर्थन करें और इसको सेकंड करने के लिए उदित राज जी, भाई मुदित जी और संदीप गोस्वामी जी इसको सेकंड करें। प्रस्ताव आपके सामने है। राहुल।